इंसान को भगवान की भी याद नहीं आएगी अगर उसके जिंदगी में दुख ना हो। फिर तो आप एक इंसान हो, अगर तुम जरूरी नहीं हो तो तुम्हें कोई भी याद नहीं करेगा। याद रखना, जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी कीमत कम हो जाती है, और जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है और कीमत भी। किसी के दिल में खुद के लिए प्यार पैदा करना चाहते हो तो खुद को जरूरत के लायक बनाओ। जल्दी तो कभी अवेलेबल मत हो। जो लोग हमेशा सेवा में हाजिर हो जाते हैं वो धीरे धीरे अपना वैल्यू खुद ही कम कर लेते हैं और फ्रेंड जोन में फंस कर रह जाते हैं। अगर तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो तो उसे थोड़ा वेट कराओ कि वो तुम्हारा इंतजार कर सके। वो तुम्हें गुस्सा तो दिखाएगी कि तुम लेट क्यों हो गए, बढ़िया सा बहाना बना देना। अरे भाई, प्यार में बहाने ही तो बड़े रोमांटिक होते हैं। तो थोड़ा सा लेट हो जाओ ताकि लड़की आपका इंतजार कर सके, आपको मिस कर सके। थोड़ा सा किसी का वेट करने के बाद उस इंसान से मिलने का मजा ही कुछ और होता है। जो इंसान आपको आसानी से मिल लेता है फिर उसके मन में आपको मिलने की कोई खास बेकरारी नहीं रहती। जब तुम किसी के फोन या मैसेज का रिप्लाई फटाफट देते हो तो सामने वाला समझता है इसके पास काम धंधे नहीं है, सिर्फ मोबाइल लेके बैठा रहता है। और ये सही भी है, ज्यादातर लोग फोन पर गेम खेलते नजर आते हैं। तो लड़की के मैसेज का रिप्लाई देने की जल्दी मत करो, आराम से मैसेज करो, आराम से बात करो। इसलिए जरूरी है थोड़ी देर बाद रिप्लाई करो ताकि वो तुम्हारे रिप्लाई का थोड़ा सा तरसे। वो तुम्हें ज्यादा याद करेगा, ज्यादा मिस करेगा। कभी कभी उसका कॉल रिसीव ही ना करो और आराम से 2 घंटे बाद कॉल करके कोई रीजन बता दो। इससे लड़की के मन में आपसे बात करने का इंटरेस्ट पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि आपसे बात करना आसान नहीं है। एक दूसरे को खो देने का डर ही असल में प्यार का कारण होता है। अगर आप फ्री भी हो, कोई काम नहीं कर रहे हो तो भी ना बोलो। तुम तो ना बोलते ही नहीं, हमेशा अवेलेबल हो जाते हो। उससे कहो, यार आज ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, मुझे बैंक में काम है। बोलो तो सही, आज नहीं मिल सकता हो, कल मिलते हैं। बोलो तो सही, तुम तो उसे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किए जा रहे हो, यार आज मिलते हैं ना, एक बार मिल लो प्लीज, 5 मिनट के लिए मिलो। इन बातों से तुम खुद ही अपना वैल्यू कम कर लेते हो। लड़की तुमसे कभी नहीं मिलेगी, अगर मिल भी ले तो तुम्हारी वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। जानते हो मैं क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ आज मेरा हाफ ड्यूटी है, आज मिल सकता हूँ, और कहता हूँ तुम्हारा फोन नंबर दो, अगर टाइम मिला तो तुम्हें मैसेज कर लूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहती है तुम पूरा दिन बिजी रहते हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। लेकिन उसका इंटरेस्ट ही इसीलिए बना रहता है कि हम कम मिलते हैं। याद रखना, जब टाइम कम हो तो सिर्फ काम की बातें होती है, और जब टाइम बहुत ज्यादा हो तो सिर्फ टाइम पास होता है। लड़की को बिना बताए गायब हो जाओ, मेरा मतलब कि उसको नहीं दिखना है और अपना फोन ऑफ रखना है ताकि वो किसी तरह से आपको कॉन्टेक्ट ना कर सके। जब लड़की को आपके बारे में कुछ पता नहीं होगा तो वो आपके लिए परेशान हो जाएगी। गौर करो तो यही से प्यार की शुरुआत होगी। आपके ऐसा करने से लड़की के दिल में आपको खो देने का डर जाग जाएगा, आपको दिमाग से निकालने की कोशिश में वो आपको दिल में बसा लेगी। प्यार का बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है वादा करके भूल जाना। तुम्हें बहुत सारे वादे करने चाहिए, वादे निभाओ कम। लड़की आपसे कहेगी तुम तो वादे करके भूल जाते हो, वो तुमसे नाराज होगी लेकिन वो तुमसे प्यार भी करेगी। ज्यादातर लड़के वो वादे नहीं करते जो वो पूरा ना कर सके, लेकिन तुम लड़की से किए सारे वादों को पूरा भी कर लोगे तो भी लड़की तुमसे कहेगी तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं लाते, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। दुनिया की कोई भी लड़की ये नहीं सुनना चाहती कि तुमने उसके लिए कुछ किया हो। और तुम्हारे वादे जितने सारे होंगे, जितने बड़े होंगे, तुम्हारा रिलेशन उतना ही लंबा चलेगा, क्योंकि अनकॉन्शियसली लड़की को लगेगा तुम कभी ना कभी तो वादे पूरे करोगे। लड़की से बहुत देर तक बात करने की जरूरत नहीं, अपने मुलाकात को बहुत ही शॉर्ट रखो। छोटी मुलाकातें बहुत अच्छा याददाश्त बनाती है, हम छोटी घटनाओं को बार बार याद करते हैं। आप लड़की से जितना कम मिलोगे, जितना कम बात करोगे, वो उतना ही तुम्हारी दीवानी होती चली जाएगी।